तो गाइस आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्रोफेशनल चेन शो जो कि एक प्रोफेशनल टूल है। इसके साथ आपको मल्टीपल फंक्शंस देखने को मिलेंगे और आज मैं इसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है और ये सबसे आपके बजट के अनुसार हम आज यह जो टूल है वो लेके आए हैं और आपको ज़्यादा इसकी कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी और ये आपके बजट के अनुसार और कम प्राइस में हम आपको लेके आए हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा इसके क्या प्राइस रहने वाला है और आपके बजट के अनुसार आप इसे परचेज कर सकते हो। तो गाइस आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं, इसके साथ आपको क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है कंपनी द्वारा। तो अगर मैं इसके कंपनी की मारू करूँ तो यह फॉरएवर गोल्ड कंपनी का आता है और इसके साथ आपको क्या क्या जो एक्सेसरीज वगैरह कंपनी द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको यह 220 वोल्ट में आपको मिलता है कंपनी द्वारा और यह 2400 जी पे वॉक करता है। और अगर मैं इसके जो वोल्टेज की बात करूं तो यह 1850 वोल्ट पे वॉक करता है और यह 450 mm पे इसकी जो ब्लेड है वह वॉक करती है। इसके साथ कंपनी द्वारा आपको जो एक्सेसरीज वगैरह प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इसके साथ आपको एक तो कंपनी द्वारा जो ब्लेड्स को धार देने के लिए एक आरी दी जाती है जिसमें आप जो इसकी ब्लेड्स वगैरह आती है या फिर इसकी चेन्स वगैरह आती है उसको आसानी से शार्प कर सकते हो। इस जो फाइल्स आती है उसके माध्यम से, इसे आप फाइल भी बोल सकते हो, इस फाइल के माध्यम से आप इसे जो इसकी जो चेन आपको मिलती है इसमें आप जो भी इसकी जो शार्पिंग है जो काम करने के बाद में यह डल हो जाती है उसको आप बेहतर बना सकते हो। और अगर मैं इसमें और एक्सेसरीज की बात करता हूँ तो आपको इसके साथ एक व्रिंच मिलता है, इसको जो इसका जो ब्लेड आता है जो कि इसको एडजस्ट करने के लिए आप इस जो ब्रिंच मिलता है इसके माध्यम से इसके साथ आप इसे अटैच कर सकते हो। साथ में इसके साथ एक अलग से आपको अटैचमेंट दिया जाता है जो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और भी अगर मैं इसमें मल्टीपल फंक्शंस की बात करूं तो आपको इसमें एक पावर बटन मिलता है, साथ में यहाँ पे एक पावर बटन देखने को मिलता है और साथ में पावर बटन को आप यहाँ पे लॉक कर सकते हो। और भी इसमें जो वर्क करने की कैपेसिटी है बहुत ही ज़्यादा इजी है, लाइट वेट है इसका और आप इसे कहीं पे भी अपनी जो साइड वगैरह है या वर्क करते हो वहाँ पे ले जा सकते हो और के जो भी वुड वगैरह की आप कटिंग करना चाहते हो वो इजीली आप इसके माध्यम से कर सकते हो। और अगर मैं इसके बारे में और आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको एक अलग से जो बोतल दी जाती है ऑयल्स वगैरह को डालने के लिए जिसमें आप ऑयल्स वगैरह को डाल सकते हो इजीली, जिससे आप ऑयल्स वगैरह अपनी चेन वगैरह में देते हो तो वह चेन ख़राब नहीं होती। और इसमें आपको एक जो चेन वगैरह आती है उसमें जो बोतल मिलती है उसमें आपको यहाँ पे एक अलग से बटन और भी आपको दिया जाता है जिसमें आप इसे ब्लिंक करते हो तो जो चेन्स में है ऑटोमेटिकली जो ऑयल्स वगैरह मतलब दिया जाता है। और जो भी इसका वर्क की अगर मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और क्वालिटी भी इसका जो मटेरियल एंड क्वालिटी की बात करूं तो पीछे की बॉडी इसकी प्लास्टिक की बनी हुई है और यह जो आगे का जो पोर्शन है यह जो मेटल का बना हुआ मिलता है आपको, हैंडल भी आपको प्लास्टिक का दिया जाता है जो बहुत ही स्मूथली होता है और इसे आप यूज़ करने में बहुत ही ईजीली आप इसे यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं इसमें स्पेसिफिकेशन आपको बताऊँ, अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये 5000 से 6000 के बीच में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको नहीं हो पाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा या फिर हो सके तो मैं भी आपको यह प्रोवाइड करवा दूंगा। तो होपफुली गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी और भी अगर इस मशीन्स के बारे रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप मेरे जो टूल एक्सपर्ट्स चैनल है उसमें को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी ही वीडियो के लिए। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।